कोलकाता के सेक्टर 5 में स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन प्रदान करने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय निर्माण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब 800 युवाओं ने हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 15 से 29 साल के युवाओं के लिए लोक नृत्य, लोक गीत, फोटोग्राफी, कहानी लेखन, पोस्टर मेकिंग, डेक्लेमेशन जैसे विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें प्रतिभा और कौशल दिखाने के लिए युवाओं को एक मंच मिला है। आज हरियाणा का यूथ फेस्टिवल पंचकुला में रखा है। सारे नौजवान चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, तो नौजवानों का आज कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में कलाकारों का आज कार्यक्रम है और आने वाले समय में नागपुर में पूरे भारत का सम्मेलन होगा, कार्यक्रम होगा। तो हरियाणा के बच्चे हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कौशल में हो, विकास में हो या संस्कृति में हो, हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के नौजवान साथी भाग लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने में सक्षम है और आने वाला समय भारत का नौजवानों का देश है और नौजवान साथी हर क्षेत्र में अपने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, हर क्षेत्र में भारत का नाम करने में सक्षम होंगे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा का युवा उत्सव पंचकुला में रखा गया है। युवा सम्मेलन में शिक्षा, कौशल, संस्कृति, हर क्षेत्र में हरियाणा के नौजवान देश के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में सक्षम है। हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में भाग लेंगे और हरियाणा का नाम भी रोशन करेंगे। पंचकुला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।